नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है जी? सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं मेरे भाई सब? तो दोस्तों, आज आए हैं चेतन भाई के छत पे। आज इनके कबूतरों का शौक कराएंगे। ये पड़ता है उत्तम नगर में, उत्तम नगर में विश्वास पार्क, विश्वास पार्क में, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन नियर विश्वास पार्क। ठीक ठीक। तो चेतन भाई है हमारे साथ में, इनके कबूतरों का शौक कराएंगे। साथ में सनी भाई हैं अपने मोहल्ल से। नमस्कार, राशि का शौक आपने देखा ही होगा। तो चेतन भाई से बात कर, चेतन भाई जो कबूतरबाजी का सफर रहा, पहले वो बताइए कहाँ से शुरू हुई और लाल का ही जो शौक है, इसलिए हमने आज लाल लाल ही पहन के आए हैं। तो लाल का जो शौक है उसके बारे में कुछ बताइए ना। एक्चुअली बात ऐसी है, मेरे फादर को शौक था कबूतरों का। अच्छा। तो मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता था, तब से मैं कबूतरों को देखता रहता था और मेरे को जब से शौक लगा। और आज मेरी 32 एज है, 32 साल का हूँ मैं। अच्छा। और 5 साल की क्लास में था मैं जब से मेरे को शौक लगा हुआ है। पापा तो पीछे हट गए हैं पर मैं आगे हो गया हूँ। आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो मतलब अपना शौक है। और लाल कबूतरों का शौक मेरे को इसलिए क्योंकि शुरू से ही मैंने लाल कबूतर उड़ाए हैं और मेरे पास बहुत ही अच्छे उड़े हैं कबूतर, लाल कबूतर। तो जो है ना, कबूतरबाजी जो कर रहे हैं तो आप बीच में ऐसे तो कभी पछतावा नहीं होगा यार कबूतरबाजी में क्यों आ गया या फिर ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ वो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपने काम को पहले रखा है। शौक शौक है, काम काम है, फैमिली पहले है। मैंने अपनी फैमिली को भी देखा और उसके बाद अपने शौक को भी देखा। हर चीज को बैलेंसिंग करके चला है मैंने। ये नहीं कि सारा सारा दिन कबूतरों में रहना, बैलेंस बना के। तो काम धंधा पहले है, अगर इनकम सोर्स है तभी आप ये शौक कर सकते हो, अदरवाइज ये शौक नहीं कर सकते। ये भी बहुत महंगा शौक है। बिल्कुल, बहुत ही महंगा शौक है, एक्सपेंसिव शौक है अगर आप अच्छी नस्ल रख रहे हो अपने पास। तो सफर जो रहा उसमें फिर आपने सिर्फ पंजाबी ही पाले या फिर और भी कोई नस्लों का शौक? शुरू से लेके अभी तक मैंने पंजाबी कबूतर पाले हैं क्योंकि मेरे को यही कबूतर अच्छे लगते हैं। कलर भी यही लाल ही? हाँ, लाल ही कबूतर, लाल ही कबूतर शुरू से उड़ाए हैं मैंने और ये मेरी बहुत पुरानी नस्ल है। और अपने कुछ उस्ताद के बारे में बताइए, कौन रहे हैं, उन कहाँ से नस्लें आई कुछ? मेरा अभी तो फिलहाल कोई उस्ताद नहीं है। अच्छा, और ना ही मेरा कोई चेला है, मैं अकेला ही करता हूँ क्योंकि फैमिली वाले जो है अलाउड नहीं करते। तो मैंने अपना बहुत ही हिसाब से अपना शौक को मेंटेन करके रखा हुआ है और अकेला मैं ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। यार दोस्त बहुत है जो सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्टिंग है। और जो मेरे हैं उस्ताद बनाया नहीं है हालांकि मैंने उन्हें, पर मैं मानता हूँ उत्तम नगर में राजापुरी में हैप्पी अंकल है। अच्छा, हैप्पी अंकल। मैं उनको मानता हूँ बहुत ही ज्यादा और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। उन्हीं के यहीं से ही मेरे पास कुछ कबूतर आए हैं तो उन्हीं की ब्रीड में चला रहा हूँ। और कुछ मेरे पुराने लाल दुबाज हैं जिनके मैं बच्चे निकलवाता हूँ और बहुत ही अच्छे उड़ते हैं बच्चे। रिजल्ट भी अच्छा रहा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये सारे जितने भी मैंने, हाँ ये जितने भी मैंने बनाए हैं इसलिए ही बनाए हैं क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा इधर भी एक बार नजर मार देना, ये जो कबूतरों की बात हो रही है इनकी है, इनमें लाल वाले आपको बहुत दिखते हैं। कबूतर है इनका ब्लड बहुत ठंडा है, इनको जहां मर्जी से उड़ा लो और गांव नहीं काटते। ये छत मतलब छत पकड़ के या गांव पकड़ के, हाँ, एरिया अपना, हाँ, एरिया, हाँ, पकड़ के रहते हैं। आधे किलोमीटर से एक किलोमीटर के दायरे में रहेंगे, ज्यादा लंबा हाथ नहीं मारते ये। मेन इनकी यही खासियत है। और अगर कोई भाई ले जाएगा इनको तो ये उसके पास भी उड़ने लग जाएंगे। ये नहीं कि ये वहां से भाग के आ जाएंगे। भाई अगर पट्टे खरीदना चाहे कबूतर या पट्टे कौन से अवेलेबल हो जाएंगे? मेरे पास बड़ा कबूतर अवेलेबल नहीं है, मैं बड़ा कबूतर नहीं देता क्योंकि मेरे पास रेयर जोड़े हैं और बहुत ही कम है। मैं सिर्फ बच्चे सेल करता हूँ। कोई भाई मेरे पास ले जाने का इच्छुक हो तो मैं 1500 रुपए पर के हिसाब से बच्चा सेल करता हूँ और अपनी तसल्ली से बंदा लेके जाए। हाँ 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 बिल्कुल, अगर कोई उड़ा के नहीं उड़ा पाएगा, अगर कोई मेरे पास उड़ा के भी ले जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि 200 रुपए घंटे के हिसाब से या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइस है 1500 रुपए बिना उड़ा के या वैसे भी लेके जाओ, अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ लेके जाओ क्योंकि अगर आप पैसा दे रहे हो तो चीज भी अपनी तसल्ली से पूरा लेके जाओ। तो मैं 1500 रुपए पर के हिसाब से बच्चे सेल करता हूँ, चाहे आप एक लो चाहे आप 10 लो। ठीक ठीक, हाँ जी। चलिए फिर भाई शौक कराते हैं कबूतर का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं कबूतर का शौक कराते हैं। भाई शौक कराएंगे आपके। तो दोस्तों ये फर्स्ट जोड़ का शौक कराते हैं आपको, लाल डब वाले दुबाज हैं। क्या कहते हैं भाई इसको वैसे? लाल दुबाज कबूतर है। ओए होए, फीके लाल दुबाज, फीके लाल। तो पहले तो रिजल्ट की बात करते हैं फिर कबूतर दिखाते हैं। क्या रिजल्ट रहा है इनका और क्या कहानी है इनकी बताइए भाई। वो रिजल्ट इनका ऐसा है कि एक बार ये उड़ गए ना, अच्छा, तो बैठते ही नहीं है। अच्छा जी, अच्छा रिजल्ट है और सारा ब्लड ही मेरे पास यही है। अच्छा, और ये जो नस्ल है ये हैप्पी अंकल उत्तम नगर में। अच्छा, हैप्पी अंकल, हाँ सुना है, उनकी नस्ल है। तो वो तो मद्रासी उड़ाते थे, पंजाबी उड़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनके कबूतर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। चलिए फिर शौक कराते हैं आंखों का इनका। ये नर है, थोड़ा और इस साइड करके दिखाइए।
प्योर मलवाई कबूतर है, चेहरा देखिए छोटा सा चेहरा है एकदम सफेद चोंच का। ये इसके कुंदे हैं कबूतर के, 10वीं छोटी है, 9वीं लंबी है इस कबूतर की, और ये लो फ्लायर है, सबसे दुम के बराबर भी है। हाँ, ये मलवाई कबूतर है, मलवाई मलवाई में खास पहचान होती है। हाँ, एक खास पहचान होती है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी कि लंबे पर होते हैं मलवाइयों के, छोटे भी होते हैं। ये नर है, अब इसकी मादिन का शोर कराता हूँ। रिजल्ट तो ऐसा है जी, बैठने से नहीं बैठते ये। अच्छा जी, हाँ जी, ये मादिन है। तो यहाँ दिल्ली के वेदर में भी वैसे उड़ जाते हैं ये जून जुलाई की गर्मी के अंदर। गर्मी के सिर्फ दाने दाने के ऊपर ये कबूतर बहुत ही जबरदस्त। ये कुंदे देखिए इसके, नौवीं कली बड़ी है, सारा ब्लडी है। ये एक दो नहीं है मेरे पास, कम से कम भी 25-30 कबूतर है मेरे पास। दुम देखिए, हाँ जी, तो इनको क्या कहते हैं, लाल डब वाले दुबाज। ये लाल दुबाज कबूतर हैं जी, इनको ना तो मैं धन्ने वाला बोलता हूँ। अच्छा, अच्छा। ना कुछ बोलता हूँ, हमने अपने बड़ों से लिए हैं, हैप्पी अंकल नाम है, ये उनकी नस्ल है और उड़ते बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए इसमें छोड़ के दिखाते हैं, इधर से डाल दिए, यहीं से दिखा दूंगा मैं। ये देखो, ये भाई बैठक इसका, मई जून की गर्मी के। तो दोस्तों सेकंड पार्ट है, हाँ दिखा दे, पहले नर दिखा दे फिर इकट्ठे दिखा देंगे दोनों, क्योंकि अभी स्टोर इधर नीचे भी देखेंगे जाल में। ये देखो जी, ये लाल दुबाज इनको कबूतर, ये भी ये पीले दुबाज बच्चे बनाती है। अच्छा यार, सुंदर बढ़िया पिल्की टाइप की है, लाल पिल्की में, लाल डब्बे बोलते हैं, लाल डब्बे वाले, बिल्कुल इन्हीं में पीले भी निकलते हैं और पूरे प्रॉपर लाल दुबाज भी निकलते हैं। ये भी भाई, ये पेप्सी आंखों में है ना। हाँ ठीक है, फीमेल है ये, इसका मेल दिखाते हैं। ये मेल है जी इसका। हाँ, ये साथ में ये फीका लाल दुबाज, इसकी आंखें आपको दिखाऊंगा मैं। वही आपकी है? हाँ वही है। ठीक है, ये कुंदे हैं स्नर के, कुंदे देखिए इसके, तीनों कुंदे बराबर है, सांप पर आएगा ये। ठीक है, इनकी बैठक बैठक दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, कबूतर वैसे रखने हैं अपने पास तो ऐसे कबूतर रखो जो देख के दिल खुश हो जाए। कलर इतना प्यारा है इनका, कलर भी प्यारा है और उड़ान भी इनकी उड़ान से ऊपर है, बहुत ही अच्छी उड़ान है, तभी इसी पे इसी के ऊपर ही जोर दे रखा मैंने। अच्छे दोस्तों, ये थर्ड पेयर देखिए, वाह जोड़ा है जी, लाल दुबाज होगा, दोनों के दोनों घर के बच्चे हैं, रिंग पैड पहना हुआ है और उड़ा रखे हैं अपने पास। अच्छा, ये भी उड़ा छतरी वाले हैं जी, पक्के रिजल्टेड है, पक्के रिजल्टेड हैं, उड़ा रखे हैं मैंने अपने पास। ये रिंग है जी, मेरे नाम और नंबर का देखो। अच्छा, घर के ही है, घर के हैं जी, सारी घर की ब्रीडिंग कर रखी है। और ये नर है, पंजाबी कलेक्शन आपकी बड़ी अच्छी मिली है आपका, छोटी सी टांट का है। इनके सिर बहुत छोटे होते हैं, छोटा सा चोंच, छोटा सर, हर चीज देखिए। कुंदे देखो इनके, तीनों कुंदे बराबर, ये भी अपने घर का बच्चा है, रिंग पैड पहना हुआ है और उड़ा रखे हैं जी ये अपने पास। ठीक, छोड़ के शौक कराता हूँ। हाँ, फीमेल का एक बार चेहरा दिखा। हाँ जी, फीमेल का भी दिखा, ये हरी सी आंखों में जर्सी। हाँ ठीक है, ये देखो जी, ये जोड़ा, ये देखिए भाई नेक्स्ट पेयर। ये फीमेल जनर, ये दोस्तों थर्ड पेयर, फोर्थ सॉरी, हाँ फोर्थ, ये फोर्थ पेयर है, सेम ही पेयर है सारे। गजब, घर का बच्चा है जी और उड़ा रखा है। फीमेल की आंखें देखिए पहले और नर की देखिए यार, बहुत ही अच्छा उड़ा है मेरे घर का बच्चा, ताका है, सारे ताके हैं मेरे पास लाल दुबाज। इसका थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आंखें, अरे वाह गजब। इनके अंदर खासियत ये है कि इनके अंदर उड़ान धीमी चाल है और तेजी बहुत है इनके अंदर, मतलब अच्छा। दिमाग मद्रासियों वाला पूरा, चाल मतलब है, तेजी है, तेज है पर तेज मारते हैं, चाल धीमी है। अच्छा, और दिमाग ऐसा है शार्प, दिमाग वाला कि कहीं जाते नहीं, हटते नहीं, छत के ऊपर ही रहते हैं जी। ये भी घर के ही पट्टे शायद है, रिंग पैड है,
कोई बाहर से नहीं लेके आया हुआ, सिर्फ दो तीन जोड़ों के बच्चे बना रखे हैं सारे के सारे। वैसे कौन सी नस्ल कह रहे थे उनमें से? ये मैंने हैप्पी अंकल, अच्छा, हैप्पी अंकल वाली है वैसे बनाए हुए, और कुछ मेरे अपने घर के हैं जिनके बच्चे मैं निकाल के उड़ाता हूँ। ठीक है, छोड़ कर दिखाते हैं इनको, बैठे तब पता चलेगा। ये फीमेल, सॉरी, ये नर, ये नर है, ये फीमेल, और ये फीमेल, ये देखिए भाई, बच्चे पाल रहे हैं ये भी, ये ब्रीड पे हैं और ये भी बच्चे ही पाल रहे हैं, जोड़ों में डाल रखे हैं, बहुत शानदार। ये सनी भाई एक बार दोबारा अपने हाथों से शौक करेंगे। कबूतर बड़ा प्यारा लगा भाई, दिल खुश कर दिया, फीका सा एकदम लाल कबूतर है। इसकी आंखें बड़ी प्यारी थी यार, इधर की देखिए, कोई इधर की देखिए, ये ठंडी आंखें है, जितनी इनके धूप लगती है ना उतना ही इतने ज्यादा उड़ते हैं ये। ये मेरा पेड़ है। अच्छा, ये मेरी नस्ल है। हाँ, ये मेरी मेन नस्ल है जो बहुत पुरानी है, इन्हीं के बच्चे में लेता हूँ। ये नर जंगलियों में 25 दिन आंडा है, 25 दिन इस एरिया में, और मात्र 50 रुपए का खरीदा था। 50 रुपए का? 50 रुपए का। कैसे? मोमोज खिला के। अच्छा, मोमोज खिला के। अच्छा, किसी बच्चे ने पकड़ा था? सॉकर का शौक करिए, कुंडे देखिए भाई इसके। भाई ये पीले दुबाज भी बनाता है, बिल्कुल फीके फीके लाल। 50 वाला रख दिया, 50 वाला रखा हुआ है, बढ़िया। ये इसके पंजों का शौक करिए, नाखून देखिए सांप है, ठीक है। और ये इतना हंडा था, इतना हंडा था, ये हल्का सा आड़ा हो गया था एक। अच्छा अच्छा, हल्का। हाँ, लोके में अब सही है, अब बिल्कुल ओके है, मतलब ब्रीडिंग में भी सब कुछ परफेक्ट है। ये फीमेल देखिए, इसकी आंखों का शौक करिए। फीमेल क्या घर की थी? अभी लेके आया, लेके आया था मैं। ओके, ये बिंदापुर में एक भाई है अपना आशीष। अच्छा अच्छा अच्छा, ली थी तो आशीष। अच्छा, पिजन प्लैनेट वाले तो नहीं? नहीं नहीं, कोई और यार दोस्त है अपना। ठीक है ठीक है, ये तो मैं शौक करा तो मेन फेयर है भाई का। ये मद्रासी वाली आंखें यार, कलर बिल्कुल जर्रेदार, गजब। ये नजफगढ़ की कबूतरी है। अच्छा, एक जोड़ ये देखिए भाई का, डक्के वाली मादिना है, पैरों पे बाल है, मोजे। अच्छा, नली वाली मादिना है। वाले बोलते हैं पंजाब में इनको। तो यार ये भी कहाँ से आए थे? ये पंजाब से लेके, पंजाब से आए थे हमारे। मैं लाल का शौक रहा है यार, इसलिए ज्यादा कलर, क्योंकि लाल ही उड़ाए हैं शुरू से। मेरे को 22 साल का तजुर्बा है पंजाबी कबूतर। अच्छा अच्छा, 22 साल से मैं पाल रहा हूँ, मेरे फादर भी कबूतर पालते थे। अच्छा अच्छा, अब उनका शौक थोड़ा ठंडा हो गया तो बस। ठीक है, आ जाते हैं वैसे कभी कभी छत पे। हाँ, कभी कभार आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। चेतन भाई का बढ़ गया, और ऐसा कर रखा है टाइम टेबल से कर रखा है, ये नहीं कि सारा दिन बैठे रहना है। हाँ, बस वही है कि सुबह शाम जब भी है। मैं तो जी अपना सेल परचेस करता हूँ। अच्छा, पर अब क्या है, अब थोड़ा उड़ाने का शौक करा है। अच्छा, टाइम अच्छा, निकाल अच्छा, के अच्छा, हमारे अच्छा, बड़े भाई सन्नी भाई है उनके कहने पे कबूतर सेल ही करते थे कबूतर। ये देखिए जी, इंदर है और ये मादिन है जी इसकी। बच्चा भी निकाल रखा है इन्होंने, लाली होंगे फिर ऐसे। हाँ, पट्ठा भी छोड़ के दिखाइए इसके साथ। लाल दुबाज बनेगा, दलदल लाल वैसे है। बाप पे जाएगा वैसे एकदम। ये देखिए भाई, कंप्लीट प्लेयर, ये पूरा परिवार है। वाह वाह वाह, एक पेयर ये देखिए भाई, भाइयों एक ये जोड़ा है, लाल चिन्ना चितला सा नर मादिन है ना, ये मादिन है, ये मादिन चितली वाली है। ये नर फीका लाल दुबाज, 10 पर का है, गोल कर रखा है मैंने कबूतर। अच्छा, बहुत ही ज्यादा है क्या? बहुत ही अच्छी उड़ान है इसकी। अच्छा अच्छा, इसीलिए जाया ना हो जाए। ये गिफ्टेड कबूतर है। अच्छा, राखा कबूतर है, कलर भी बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट आया था। ये मेरा एक भाई है, उसने 10,000 रुपए का सिंगल कबूतर खरीदा था। अच्छा, और उसने मेरे को उसे प्यार मोहब्बत में गिफ्ट दिया है कबूतर। मादी इन फ्यूचर उसको दूंगा कबूतर ये वापस। अच्छा, नस्ल बनाने के लिए लेके आया हूँ। आंखें दिखा दे। हाँ, ये भी वही है, ये कबूतर मेरी 7 साल पुरानी है। अच्छा, ये क्या घर की है लाए थे? ये मेरे घर की नहीं है, ये भी मैं हैप्पी अंकल से। अच्छा, हैप्पी अंकल की, हैप्पी अंकल की ज्यादा नस्ल है। हैप्पी अंकल की ज्यादा है, उन्हीं से ही लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक, बस इसका पट्ठा भी था ना, पट्ठा दिखाएंगे आपको। ये पट्ठा है इनका, पट्ठे का शौक करो, लाल लगवाने बनेगा, सफेद चोंच, पूरी फैमिली है। ऐसी फैमिली दिखाते हैं पूरी, पूरे देखिए अभी से।
ठीक है बैठक का। देखिए भाई पट्टा कबूतर, देखिए बैठक, देखिए नर की, वाह सहनशाह। ये जो नर है ये कांटा का कबूतर है, अच्छा जो गर्दन से हिलती रहती है ना, बैठक भी वैसी है हल्का सा। इनको डंके वाले बोलते हैं, अच्छा डंके वाले, बिल्कुल खड़ी चाल का है कबूतर, ये ऊपर होता है इस ये हाइट में जाके होते हैं इसके पास। अच्छा ये हाइट में होते हैं जी। एक दोस्तों ये पेड़ दिखाते हैं, हरा दुबाज और लाल दुबाज मादी ने, दोनों सफेद टांट के हैं। ये हमारी काके किले वाली नस्लों में से है, काके किले वाले जो पंजाब में कबूतर पालते हैं वो बहुत ही अच्छे समझ जाएंगे। और ये पंजाब में फगवाड़े में बिट्टू पाजी रहते हैं, अच्छा ये उनसे आया हुआ। अच्छा अच्छा, तो इसका आपने क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये हर बार अपने ऊपर बच्चे नहीं बनाता, मकोवे बच्चे बनाता है। अच्छा अच्छा, इसका ये है, हाँ ये मकोवे बच्चे बनाता है और बहुत ही अच्छे उड़ते हैं इसके बच्चे। 12-13 कुंडे इस तरफ सफेद है इसके, से कुंडे देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है, बगल की 2-3 कुंडे, 3 कुंडे हैं बस, बिल्कुल 10-15 कुंडे सफेद है, 15-18 पाएंगे इस तरफ के होंगे शायद, हाँ इस तरफ। ये कावरे डब्बे प्रॉपर हरे दुबाज सारे निकाल दे, इसका बच्चा है मेरे पास। अच्छा अच्छा, अभी देख रहे हैं, अभी ये लाल दुबाज इनको उतरी है और ऊपर इसके कबूतरी है, पूरी 10 पर ही है ये भी। ये तो घर की लग रही है, घर की नहीं है, ये भी बड़ी कबूतरी है, बड़ी कबूतरी है, हाँ ये भी हैप्पी अंकल से, अच्छा हैप्पी अंकल की नस्ल है। ठीक ठीक, चलो छोड़ कर दिखाते हैं इसको। ये देखिए भाई, हरा दुबाज नर और लाल दुबाज मादी, नर भी काफी बड़ा है, ये 7-8 साल का कबूतर है और हल्का सा आड़ा है ये। अच्छा अच्छा, हल्का सा आड़ा है, ब्रीड कर रहा है, ब्रीड करता है, उड़ता भी है, सारे काम करता है और बहुत पुराना है ये। ये पहली दूसरी कली में ही टेढ़ा हो गया था बीमार होने के बाद, पट्टे पन पे है। बीमार भी सर्दियों में होता है, सर्दियों में हो जाते हैं, ठीक है। एक ही रेट है उनका, कोई भी चला जाए, अच्छा आप हो चाहे हम हो, कोई भी चले जाए, 5,000 रुपए की सिंगल मादिन ली थी उनसे मैंने। बहुत बढ़िया है कबूतरी, वैसे भी बुरा मान लिया थोड़ा, अभी ठीक करते हैं इसका बुरा। बड़ी कबूतरी है, ठीक है, कोई हाँ। हरे दुबाज तो वैसे ही पसंद है, भवरे दुबाज भी बनाते हैं, भवरे भी बनाते हैं। काके किले वहाँ जगह है या बंदे का नाम है? बंदे का नाम है, वो कहते हैं जी जो काके किले वाले हैं, 10,000 रुपए का एक कबूतर बेचते हैं। ब्लड लाइन ही मतलब अलग ही है, ऐसे वो इतनी जल्दी देते नहीं किसी को। ये कैसे उड़ते हैं, मध्यम में या ऊपर जाते हैं फिर नीचे? ये लो फ्लायर है, अच्छा लो फ्लायर, मलवाई कबूतर ज्यादातर लो फ्लायर रहते हैं। हाई में बहुत कम जाते हैं, आधे आसमान में, और अगर ऊपर जाएंगे भी ना तो 15-20 मिनट आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे वापस आएंगे। ठीक, जो लंबे पर के कबूतर होंगे ज्यादातर, हाँ वो ज्यादातर आधे वो लो फ्लायर ही रहते हैं, आधे पर मतलब आधी पट्टी पे ही रहेंगे, और जो छोटे इतने पर रहेंगे और थोड़े चौड़े चौड़े पर आसमान वो ऊपर जाके उड़ेंगे, क्योंकि पंजाबी भी दो तरीके हैं। हाँ वो तो दिल्ली में लो फ्लायर हाई फ्लायर, ठीक है। मादिन है एक लाल दुबाजन, ये वाली उड़ा ली अपने पास, बहुत ही अच्छी उड़ती है। अच्छा ठीक है जी, पट्टा देखिए पहले तो, रिंग पैड है और अपना लाल डब वाला पट्टा, ठीक है। अभी तो छोटा ही है काफी, ये माँ है इसकी। अच्छा ये माँ है, ये माँ है, ताकि कबूतरी है, छोटे से साइज की कबूतरी है। इधर की आंखें दिखाता हूँ मैं, ये जो अभी आप बोल रहे थे ना कबूतरी बड़ी कमजोर सी लग रही है, इसको ये उसकी बेटी है। अच्छा, घर की बच्ची है, हासिल कर रही है, उड़ती है, अभी भी उड़ती है। हालांकि इस मौसम में तो उड़ा ही नहीं सकते ज्यादातर, दिक्कत है। ये नर है, नर का शौक, ये भी बहुत बड़ी उम्र का कबूतर है, ये नाना करते करते भी 8-9 साल का कबूतर है। ये अपने सागरपुर में भाई है केशव भाई, अच्छा उनसे लिया था मैंने, केशव भाई से प्यार मोहब्बत में दिया था उस भाई ने, ये उसका कबूतर है। रिजल्ट सही निकला आपके पास, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ठीक है छोड़िए। ये अपनी घर की मादिन लगा रखी है इसके साथ, ये देखो बैठा का शो करो उसका कबूतर का, गजब। ये मादिन है, देखिए पट्टा छोड़िए, तो इस मादिन की खूबी दिखाना चाहूंगा, ये मैंने अपने हाथ से पाल के बड़ी करी है, ये मेरे कंधे पे बैठती है, मुझसे जोड़ा खाती है, अच्छा गद्दी भी करवाई है। हाँ वो वीडियो मेरे पास है, ये वो कबूतरी है। अच्छा हाँ, एक बार दिखाई दे तुमने, बहुत मेरे पास है वीडियो। ये कबूतरी मैंने अपने पास 11.5 घंटे उड़ाई है, 11.5 घंटे, हालांकि शर्त में नहीं उड़ाई, ऐसे मजाक मजाक में उड़ गई है। अच्छा,
और जब पहली बार उड़ी थी तो भागी गई थी, दो दिन बाद आई थी ये कबूतरी। बहुत बढ़िया जी, अब दिखाता हूँ मैं आपको ये कबूतरी का, देखिए हिली हुई है भाई की, कलर बड़ा प्यारा लगा इनका। काफी टाइम भी तो सारे छतरी पहले हुए हैं, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला है। ये अपने घर की बच्ची है, उसका बच्चा है, अपने घर के बच्चों के ही ज्यादातर बना रखे हैं। हाँ थोड़ा पकड़ जो है, डर वो डर रही है क्योंकि छतरी पे ले लेता हूँ, हाथ से पालता हूँ। सही है, इसमें बाउंडेशन जो होते हैं कबूतर बीच में अच्छी हो जाती है, फ्रेंडली है आपसे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों एक जोड़ दिखा रहे हैं, थोड़ा जले हुए, जले हुए लाल जिन्हें कहते हैं तांबड़े टाइप के पंजाबी, बच्चों को भी शौक कराता हूँ। तांबड़े देखिए, ये मादिन भी डक्के वाली है, मोजे वाली। अच्छा हाँ, आँखें अच्छी है इसकी, थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ मैं इसके पहले। हाँ चन्नली भरे हैं, ठीक बुरा मान रहे हैं कबूतर ना, क्योंकि देखते हैं ना घरों में इतना। ठीक है, ये कबूतर की आँखें, ये दुमचिरा कबूतर है। अच्छा, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी उड़ान है इसकी। ठीक है, तांबड़े जो ये देखिए, ये कबूतर भी पंजाब से लेके आया था, बहुत ही अच्छी उड़ी हुई है। ये बच्चे कैसे ऐसे निकालती है लाल तांबड़े? लाल तांबड़े बनाती है, भी दिखाता हूं उसके बच्चे को। हाँ ये भी लाल तांबड़े बन गए, तो बच्चे कोई लेना चाहेगा तो मिल जाएंगे ना वैसे? हाँ जी बच्चे मिल जाएंगे जी, क्या रेंज है? 1500 रुपए पर के हिसाब से है, और फुल बंदा बोलेगा उड़ा के दिखाओ तो उड़ा के दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, उड़ा के रिजल्टेड है, रिजल्टेड है। बाकी जो समझदार बंदे होंगे तो हाथ में पकड़ के, वो तो समझ जाएंगे, कबूतर तो हाथ में आ गया। ताखा बच्चा है ये, आंख मकोई है इसकी, ये जर्ची बनेगी इसकी, हल्का सा तिल कटा बनेगा, ये मलवई बच्चा है। ये देखो पल्ले इसके लाल डबे पूरा सफेद दूम एकदम, पैर में रिंग है, ये सफेद एकदम रिंग। इस बच्चे को देखो, बहुत मद्दी एकदम उड़ गया ना, बैठेगा ही नहीं, बैठना ही नहीं, मेरे पास भी नहीं आएगा। और लंबा भी है, जीरो कली का ही है अभी तो शायद ना, अभी तो जीरो कली का है, एकदम छोटा सा ही बच्चा है, तकरीबन नाना ये आपको जो बच्चा ने दिया है उसी के साथ का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है अभी तो। बोलिए तो बैठ भी है, छतरी पे बैठ। एक और दिखाते हैं भाई आपको, ये प्योर धन्ने वाला कबूतर है जी, प्योर धन्ने वाला लाल जी, ललसरा कबूतर, ललसरा। हाँ पूरा धन्ने वाले की पहचान क्या होती है वैसे? धन्ने वाले जो कबूतर होते हैं जी, ये पंजाब के अंदर चलते हैं, हमें तो पहचान ये पता है कि कबूतरों में उड़ान बहुत अच्छी होती है, और हाइट पे नहीं उड़ते। अच्छा अच्छा, नीचे पलट मारते रहेंगे और नीचे उड़ेंगे उड़ान। आजकल तो दिल्ली के अंदर या कहीं पर भी ले लो, हर बंदा यही बोलता है धन्ने वाला है, ये है वो है, मेन होती है उड़ान, किसी ढंग से बताया, मेन होती है उड़ान। ठीक है जी, अब ये कबूतर को देखो, अरे वाह ऊपर पहुंच गया है, ये भी हाथ पे हिला हुआ है। अच्छा हिला हुआ है, हिला नहीं हुआ, ये तो मेंटल है। ठीक है, उड़ गया है भाई, आ गया, अब अच्छे दोनों उड़ गए। आ गए, कोई छतरी पे बैठे हुए, छतरी पे हिला रखे हैं मतलब है। ये छतरी वाले ही हैं जी, मेरे पास जितने भी हैं सारे छतरी वाले हैं, जो मैं उड़ाता हूँ कबूतर, क्योंकि छत थोड़ी नीचे पड़ जाती है, तो मंजिल की दिक्कत है ना। हाँ तो मैं छतरी से ही उड़ाता हूँ, अभी तो छतरियाँ हटा रखी है मैंने इस छत से। ये देखो ऊपर से उतर रहा था ना, काफी टाइम बाद देखा। संदीप भाई ये वही कबूतर है जो आप बोल रहे थे ना, मादिन है। अच्छा काके किले वालों में से ये भी है? हाँ जी हाँ जी, ये काके किले वालों पंजाबी, काला भौरा, चपटी टांट गया बिल्कुल, छोटे से साइज का कबूतर है। देखो मलवइयों में होते हैं लंबे खिंचे हुए, और ये क्या है, छोटे से साइज का, छोटे से साइज का।
और ये हाई फ्लायरों में मतलब ऊपर उड़ता है, ऊपर आसमान मतलब पलट मारता रहेगा नीचे भी और ऊपर भी। ये तो मैं साजापुरियों में से निकला है। नहीं नहीं नहीं, साजानपुरी नहीं है, पंजाबी कबूतर है। जो साजानपुरी होते हैं काली जुबान, काली जुबान के होते हैं, काली जुबान, काले पंजे। ये देखो मेरे पास थे एक जोड़। सन्नी भाई भवरे बहुत देखे हैं, अब एक बार ये चेक करो, भवरा चेक करिए भाई, एक नंबर का है ना। सन्नी भाई मैंने उड़ा लिया है अपने पास, मेरे पास बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। ठीक है, हड्डी एक और पट्टा दिखाते हैं घर का, प्योर लाल दुबाजे जी फीका। ये हमारे हैप्पी अंकल हैं, उनकी नस्लों में से निकला हुआ जोड़ा लेके आया था उनसे। ये कच्ची पीली आंख बनेगी इसकी, बिल्कुल कच्ची पीली आंख, और तिल देखो उसका कैसा है। तरोड़ दिखाते हैं दोस्तों आपको, लाल रत्ता बच्चा है, लाल एकदम बच्चा ही है अभी। इसके पंजे देखो, अरे वाह गहरे एकदम काले से। 10 लाख पंजाबियों में ऐसे पंजे आज पहली बार हमने देखे, एकदम जले हुए जैसे कहते हैं ना, लाल जले हुए। 10 लाख कबूतर देख लियो भाई, इसके टक्कर के पंजे नहीं मिलेंगे। गजब गजब। और ये इस कबूतर के कुंदे देखो बच्चे के, इस बच्चे के दुम के पत्ते चेक करो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 प्योर मलवई बच्चा है और बहुत ही अच्छे उड़ते हैं ये। ये देखो ठंडा ब्लड है बिल्कुल, ये देखो अभी छोटा। ये हमारे नजफगढ़ में अशोक नंबरदार जी हैं, ये उनकी नस्लों में से बनाई थी लाल चीनी, ये भी घर की पट्टी बहुत ही अच्छी उड़ती है, बहुत ही अच्छी है, जितना उड़ाओ उतना कम है। छोटे से साइज की कबूतरी है, पैर में रिंग पैड है इसके, जो भाई बोलता हो ना उड़ान तो भूख मिटा देगी वो कबूतरी है। चाहे गर्मियों में उड़ा लो, सर्दियों में उड़ा के बाज को खिला दो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन उड़ान कम नहीं होगी। छतरी वाली कबूतरी है जी मेरी, बहुत बढ़िया है, छोटे से साइज की है, 12-19। ये नरेश का जो बुटक रहा है, अच्छा ये लाल फोटे का जोड़ा ही है पूरा है, लगाने का तरीका बड़ा अच्छा लगा, सारे जोड़े बंद है, बच्चे ब्रीडिंग निकले पड़े हैं। ठीक है, जिसमें सारे पंजाबी है, ये जोड़ा उधर है, बाकी ये पट्टे बंद करने के लिए है। ओवरऑल जाल अच्छा बना रखा है, इस मौसम में सर्दियों में उड़ाना इनको गवाने वाली बात है। गुलाबी पलकों में, गुलाबी डोरों में ये उड़ उड़ के गुलाबी पलके कर लिया, नहीं तो पहले सफेद आंख थी इसकी, धूपों में सड़ा दिए इनको उड़ा उड़ा के। ये वे कबूतर भाई नगाम में छोड़ लो, गांव छोड़ के ना बात है, छतरी वाला है, मतलब वही गांव में उतरेंगे, दड़े के पड़े वाले, बहुत पक्के दड़े के। ठीक है, सीधा नीचे भाई, अभी एक लाल चीनी दिखाई थी, उसी की बहन है ये ना, ये काली चीनी है, फुलसरी कह लो चाहे काली चीनी कह लो। ठीक है, कलर बड़ा प्यारा है, जैसे कलर कर रखा हो किसी ने, प्योर ब्लैक है एकदम, देखे तुम जैसे, और उड़ान में कोई कमी नहीं है, ज्यादा ही उड़ते होंगे, लिमिट से ज्यादा ही उड़ते हैं ये। इसकी आंखें देखिए, अरे वो आगे से हल्का सा घर की पट्टी है, हल्का सा जो है ना आगे रिंग में जो आगे की तरफ कट होता है, बहुत कीमती रिंग। दोनों बहनों की बना दो, हाँ ये इसकी बहन सगी बहन है जी, दोनों की दोनों पकड़ो सन्नी भाई, आप साइज में, पंजों में, आंखों में, हर चीज में, दोनों की दोनों एक ही झोल की है, सिर्फ रंग का फर्क है, बाकी डिजाइन कलर, हाँ साइज वही सब सेम है। गीता और बबीता, सीता बबीता, गीता बबीता, या सीता गीता, सीता गीता कह सकते हो भाई, सीता गीता है ये, दो हेमा मालिनी है और हमारे धर्मेंद्र जी है, पैर में रिंग पैड है जी इनके, और दोनों घर की पट्टी है, दोनों हाथ पे हिला रखी है जी पूरी, ब्रीडिंग करती है हाथ से ही, वो छतरी वाली है, बैठक देखिए इनकी।
छतरी की हिली हुई है दोनों, छतरी बढ़िया। एक जोड़ था इनका जो कंप्लीट उड़ता हुआ, छतरी पे जाएगा ये भी। एक तो छत भाई की चारों तरफ से कवर है तो छतरी इसलिए ऊंची उठानी पड़ी है, लेकिन यहीं 10-10 घंटे उड़ जा कबूतर उड़ के यहीं उतरते हैं, सोचने वाली बात है यार। ये भाई सारे कबूतर भाई के आ गए लाल दुआ के, एक ही जगह पे इतने सारे कलेक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई के। वो भाई के पास चीज़ है यार गजब। तो वीडियो कैसी लगी बताना भाई, पसंद आए तो लाइक करना जरूर, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना इस तरीके की वीडियो और देखना पसंद करेंगे या नहीं। घर का पट्टा है भाई का, ये देखिए कितना छोटा सा बटुई सी है, अभी भी ऐसे बैठती है ऊपर।